वो कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो जिसको अपने घर की पहचान होती है उसको भटकना नहीं पड़ता है, वो सीधा ही वहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की निज रूप की पहचान हो जाती है, जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूँ। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। तो जब ये जाना इसको इसके रूप में, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा।